देखिए, पहले आज स्पीकर का चुनाव है और हम लोगों ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, और पहले कहा गया था कि शायद डिप्टी स्पीकर हम आपको देंगे, और उसके बाद से जैसा कि मैंने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी को कॉल बैक करना था, लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं, शायद उनका कॉल आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देना चाहिए था। लेकिन राजनाथ जी ने कि हम लोगों ने कई राउंड बातचीत हुई है राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद, तो क्या है? और दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी से हैं, उन्होंने कहा कि हमसे कोई इस विषय में बातचीत नहीं की गई, तो एकजुटता कहाँ दिख नहीं रही है इस मामले में? आई थिंक सारे अपोजिशन लीडर से बात करके ही ये डिसीजन लिया होगा कैंडिडेट देने का, बाकी अभी पता चलेगा अंदर जाने के बाद कि क्या एलओपी बनाया गया है राहुल गांधी जी को, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है, दल कांग्रेस के तरफ से मतलब विपक्ष के तरफ से वो एलओपी बने हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामना और अच्छा करें, और सबको साथ लेकर के जितने भी विपक्ष के दल हैं उनके सभी नेताओं को साथ लेकर चले। देखिए, पहले आज स्पीकर का चुनाव है और हम लोगों ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, और पहले कहा गया था कि शायद डिप्टी स्पीकर हम आपको देंगे, और उसके बाद से जैसा कि मैंने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी को कॉल बैक करना था, लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं, शायद उनका कॉल आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देना चाहिए था। लेकिन राजनाथ जी ने कि हम लोगों ने कई राउंड बातचीत हुई है राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद, तो क्या है? और दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी से हैं, उन्होंने कहा कि हमसे कोई इस विषय में बातचीत नहीं की गई, तो एकजुटता कहाँ दिख नहीं रही है इस मामले में? आई थिंक सारे अपोजिशन लीडर से बात करके ही ये डिसीजन लिया होगा कैंडिडेट देने का, बाकी अभी पता चलेगा अंदर जाने के बाद कि क्या एलओपी बनाया गया है राहुल गांधी जी को, कैसे देखते हैं इस पूरे विषय? नहीं, अच्छा है, दल कांग्रेस के तरफ से मतलब विपक्ष के तरफ से वो एलओपी बने हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामना और अच्छा करें, और सबको साथ लेकर के जितने भी विपक्ष के दल हैं उनके सभी नेताओं को साथ लेके चले। देखिए, पहले आज स्पीकर का चुनाव है और हम लोगों ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, और पहले कहा गया था कि शायद डिप्टी स्पीकर हम आपको देंगे, और उसके बाद से जैसा कि मैंने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी को कॉल बैक करना था, लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं, शायद उनका कॉल आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देना चाहिए था। लेकिन राजनाथ जी ने कि हम लोगों ने कई राउंड बातचीत हुई है राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद, तो क्या है? और दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी से हैं, उन्होंने कहा कि हमसे कोई इस विषय में बातचीत नहीं की गई, तो एकजुटता कहाँ दिख नहीं रही है इस मामले में? नहीं, आई थिंक सारे अपोजिशन लीडर से बात करके ही ये डिसीजन लिया होगा कैंडिडेट देने का, बाकी अभी पता चलेगा अंदर जाने के बाद कि क्या एलओपी बनाया गया है राहुल गांधी जी को, कैसे देखते हैं इस पूरे विषय? नहीं, अच्छा है, दल कांग्रेस के तरफ से मतलब विपक्ष के तरफ से वो एलओपी बने हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामना और अच्छा करें, और सबको साथ लेकर के जितने भी विपक्ष के दल हैं उनके सभी नेताओं को साथ लेकर चलें।